आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। इनसाइट की डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में आज हम लोग 30 जुलाई के जो न्यूज़ आर्टिकल्स से वो डिस्कस करेंगे। पहला है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, सेकंड इज़ ट्रस्ट सेटअप टू बिल्ड राम टेंपल इन अयोध्या, थर्ड इज़ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, फोर्थ इज़ इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ICCPR, फिफ्थ इज़ इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर एंड सिक्स्थ इज़ टर्की अप्रूव सोशल मीडिया लॉ। अंडर GS पेपर 2 इट इज़ कवर्ड एज न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड दिस कम्स अंडर गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर द डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ द डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। 34 ईयर्स के अंदर एक नई एजुकेशन की पॉलिसी आई है, ठीक है। यूनियन कैबिनेट ने अपना इसको नॉट दे दिया है। नॉट देने का मतलब होता है हामी भरना, ठीक है। और इस न्यू पॉलिसी को रिसेंटली अग्रीमेंट मिल गया था। एम जो है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का कि एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाएंगे जो इंडियन इथोस में डीपली रूटेड है, ध्यान देना इस बात के ऊपर, और इंडिया को फिर से एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाएगा, क्योंकि जो कि हम थे हिस्ट्री में, हम लोग एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर थे, बट ब्रिटिशर्स ने हमारी सारी की सारी इकोनॉमी को, हमारी सारी नॉलेज को ड्रेन कर दिया था, ठीक है। और ये हम कैसे करेंगे? बाय प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल। लेट्स टॉक अबाउट द बैकग्राउंड। एक पैनल जिसको हेड किया था फॉर्मर इसरो चीफ, ध्यान रहे फॉर्मर इसरो चीफ के कस्तूरी रंगन ने, उन्होंने एक ड्राफ्ट सबमिट किया था दिसंबर 2018 के अंदर, जिसको फिर लोकसभा के इलेक्शंस के बाद, जो कि मई 2019 में लास्ट ईयर हुए थे, उस इलेक्शन के बाद इनको ओपनली पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया था कि इस ड्राफ्ट के ऊपर पब्लिक अपना फीडबैक दे। इस पॉलिसी की कुछ हाईलाइट्स देख लेते हैं, ठीक है। सो दो सबसे मेजर जो हाईलाइट्स हैं वो ये हैं कि सेंटर और स्टेट्स का जो GDP वगैरह है ना, उसको 6% रेज कर दिया जाएगा एजुकेशन के फील्ड के अंदर, ठीक है। ये पहले भी प्रपोजल आ चुका था कि 6% का रेज करेंगे, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था पहले, ठीक है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ HRD ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, उसको रीनेम कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम पर। डिजिटल एजुकेशन के रिलेटेड क्या हाईलाइट्स हैं वो देख लेते हैं। एक ऑटोनोमस बॉडी क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। इसका काम होगा कि किस तरीके से हम लोग आइडियाज़ एक्सचेंज करें, जहां पर हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हों, अपनी लर्निंग को इन्हेंस करें, असेसमेंट को इन्हेंस करें, प्लस में एडमिनिस्ट्रेशन और जो प्लानिंग होता है उसको फ्यूचर में कैसे और इंक्रीमेंट किया जाए। एक सेपरेट टेक्नोलॉजिकल यूनिट डेवलप की जाएगी डिजिटल एजुकेशन रिसोर्सेज के लिए, ठीक है। और जो नई यूनिट होगी वो सारे के सारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को, कंटेंट को और कैपेसिटी बिल्डिंग को कोऑर्डिनेट करेगी। टीचर की एजुकेशन रिलेटेड क्या हाईलाइट्स हैं? 2030 तक जो मिनिमम डिग्री है क्वालिफिकेशन की टीचिंग के लिए, वो 4 ईयर इंटीग्रेट बीएड हो जाएगा, ठीक है। टीचर्स को ट्रेनिंग देने की बात की गई है। ऑनलाइन इनका एजुकेशनल मेथड्स को सपोर्ट करने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, जो कि इंडियन सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा, क्योंकि इंडिया के अंदर जो डिजिटल डिवाइड है वो बहुत बड़ा है। तो ये ध्यान में रखेंगे कि हर टीचर के पास डिजिटल डिवाइड जैसा कोई इशू ना हो, उनके पास बेसिक जो टेक्निकल रिसोर्सेज होते हैं वो अवेलेबल हों, ताकि हर एक को ऑनलाइन ट्रेन किया जा सके। स्कूल एजुकेशन के कुछ हाईलाइट्स हैं। प्री प्राइमरी एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करेंगे और उसकी जो एज रेंज होगी वो होगी 3 से 6 ईयर्स 2025 तक। एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी स्कूल, इसको 100% इसका ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो लेके आएंगे 2030 तक। बेसिकली यूनिवर्सलाइज करना है इसको। एक नया स्कूल करिकुलम जिसमें कोडिंग होगी वो क्लास 6 से इंट्रोड्यूस कर दी जाएगी। जो चाइल्ड की मदर टंग होती है उसको एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे 5th क्लास के बाद आपका जो बेसिक लैंग्वेज होती है उस पर काम किया जाएगा। एक नया करिकुलर फ्रेमवर्क इंक्लूड किया जाएगा जिसमें प्री स्कूल और आंगनवाड़ी ईयर्स को भी ऐड कर दिया जाएगा। ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा, ये अभी हाईलाइट दिखा रहे हैं हम। एक नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये इंश्योर करेगा कि क्लास 3 तक, ठीक है ना, हर एक को बेसिक स्किल्स हैं, और इसका काम स्टार्ट कर दिया जाएगा 2025 तक। बोर्ड एग्ज़ाम्स को पहले से ज़्यादा ईजी बना दिया जाएगा, ठीक है, उनको रीडिज़ाइन किया जाएगा। एग्ज़ाम जो है आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज को टेस्ट करेगा रादर देन आपके फैक्ट्स के मेमोराइजिंग पावर को, ठीक है। और स्टूडेंट्स को अलाउ किया जाएगा कि वो बोर्ड एग्ज़ाम 2 बार दे सकते हैं। स्कूल की जो गवर्नेंस है उसको चेंज किया जाएगा, ठीक है ना। एक नया एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होगी जो पब्लिक और प्राइवेट, यानी कि जो गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं और प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, दोनों को ही रेगुलेट करेगी। हायर एजुकेशन रिलेटेड हाईलाइट देख लेते हैं एक बार। 4 ईयर की अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज होगी ना, उसमें मल्टीपल लेवल से एंट्री होंगी और एग्जिट के ऑप्शन दिए जाएंगे,
ठीक है। बेसिकली आप अगर एक साल के बाद आप एग्ज़िट लेते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल के बाद एग्ज़िट करना चाहोगे अपने कोर्स को तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल बाद करोगे तो आपको आपकी बैचलर्स की डिग्री मिल जाएगी। एमफिल वगैरह को की जो डिग्री थी ना उसको एबॉलिश कर दिया जाएगा। एक नया एम्ब्रेला रेगुलेटर आएगा हायर एजुकेशन के लिए, जिसमें मेडिकल और लीगल कोर्सेज जो होते हैं उनको साइड रखा गया, उनके अलावा बाकी सबके लिए एक कॉमन न्यू अम्ब्रेला रेगुलेटर होगा। अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्रिएट करेंगे, जहाँ पर 2 इंस्टीट्यूशंस के बीच में अगर ट्रांसफ़र होना होगा तो आपके जो रिकॉर्ड्स वगैरह होंगे ईजिली ट्रांसफ़र हो पाएंगे। कॉलेज का जो एफिलिएशन सिस्टम होता है उसको फेज़ आउट करेंगे 15 ईयर्स के अंदर, ठीक है ना। और हर एक कॉलेज अपना ऑटोनमस डिग्री ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशन सेटअप करेगा या फिर एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी के लिए। जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन के अंदर उसको डबल करने की बात की गई है, 2018 तक 26.3% था और 2035 तक इसको 50% करने की बात की गई है, और इसमें एडिशनल 3.5 करोड़ सीट्स ऐड करेंगे। ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड क्या हाइलाइट्स हैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम जिसमें ट्राइबल और इंडिजिनियस नॉलेज को भी ऐड करेंगे, इनको इनकॉर्पोरेट करेंगे करिकुलम के अंदर और एक बहुत ही एक्यूरेट और साइंटिफिक मैनर से इसको सिखाया जाएगा। स्पेशल फोकस कहाँ पर दिया जाएगा, रीजन जैसे कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हो गए ना, जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक और सोशल बैरियर फेस करने पड़ते हैं ना, उनको स्पेशल एजुकेशनल जोन्स के अंदर क्रिएट कर दिया जाएगा। सेंटर एक जेंडर इंक्लूजन फंड सेटअप क्रिएट करेगा, ठीक है, जो कि कंट्री की कैपेसिटी में कुछ इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा गर्ल्स को और ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स को। तो ये बहुत अच्छे फोकस हैं, स्पेशल फोकस में है तो आपको पता होना चाहिए, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं ये। फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें तो जो मेरिटियस स्टूडेंट्स हैं, जो कि वेल परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स होते हैं मेरिट लिस्ट में आने वाले, और अगर वो एससी एसटी ओबीसी को बिलोंग करते हैं या फिर किसी और सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप को बिलोंग करते हैं तो उनको कुछ इंसेंटिव्स दिए जाएंगे उनके परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर। जो नया करिकुलर है उसका जो पेडागोगिकल स्ट्रक्चर है वो क्या है ये देख लो एक बार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। फाइव पहले तो हमारे पास क्या हुआ करता था ना कि एक प्राइमरी होता था, फिर एक सेकेंडरी होता था, हायर सेकेंडरी इस तरीके था। अब उस पुराने वाले को आप भूल जाओ, अब हमारा नया सिस्टम आ गया है ये 5+3+3+4 के हिसाब से। पहले 5 में क्या होगा, 5 ईयर जो उसको फाउंडेशन स्टेज का नाम दिया गया है, सेकेंड को प्रिपरेटरी का, थर्ड को मिडिल का, फोर्थ को हायर का। फाउंडेशन स्टेज में क्या होगा कि 3 साल की प्री प्राइमरी स्कूलिंग होगी, ठीक है ना, और उसके बाद 2 साल नेक्स्ट होंगे क्लास फर्स्ट और क्लास सेकेंड होंगे। 3 साल की जो प्री प्राइमरी है इसमें आपका नर्सरी आ जाता है, प्रेप क्लास आती है और प्री नर्सरी टाइप की क्लासेज जो होती हैं। फिर 2 साल आपके फर्स्ट और सेकेंड, फिर आप जाओगे प्रिपरेटरी लेवल के अंदर जिसको लेटर प्राइमरी भी बोला गया है, इसमें आपकी थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्लास होगी, यहाँ तक आपको सिखाई जाएगा आपकी मदर टंग के अंदर, ठीक है ना। फिर आप जाओगे 3 साल के लिए जो होगा मिडल, इसको आप अपर प्राइमरी भी बोल सकते हो, अपर प्राइमरी स्टेज, यहाँ पर 6th, 7th और 8th होगा। यहाँ पर थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा क्योंकि 6th क्लास से आपको कोडिंग सिखा दी जाएगी, पहले 8th क्लास से आपको कोडिंग सिखाई जाया करती थी। फिर आपके 4 ईयर्स होंगे 9th, 10th, 11th, 12th, ये आपके कॉलेज में एंट्रेंस के लिए जो बेसिस होता है उसको माना जाएगा, इसको सेकेंडरी स्टेज के कैटेगरी में डाल दिया गया। अब पहले 11th और 12th हुआ करते थे, अब इसको 4 ईयर्स मान लिया गया। तो चैलेंजेस क्या है, सिंस एजुकेशन एक कंकरेंट सब्जेक्ट है यानी कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इसके ऊपर रूल्स बना सकते हैं, तो मोस्टली स्टेट्स के पास अपने खुद के स्कूल बोर्ड्स होते हैं, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट्स को भी अपने सारे के सारे इन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसके ऊपर अपने थॉट प्रोसेस को हार्मोनाइज करना होगा, तब जाकर के इस पूरी की पूरी पॉलिसी का जो डिसीजंस है उनको तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो भी कुछ है वो हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। ऑल राइट, वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ ट्रस्ट सेटअप टू बिल्ड मॉस्क इन अयोध्या, स्टेचुएटरी रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज। आप सबको पता होगा बाबरी मस्जिद केस के बारे में वहाँ कुछ चल रहा था, तो राम मंदिर जन्मभूमि के अभी 5th अगस्त को उसका भूमि पूजन भी होने वाला है। उस राम जहाँ पर बाबरी मस्जिद थी वहाँ पर अब बोला जा रहा है कि वहाँ पर अब राम मंदिर बनेगा, उसके अल्टरनेट में एक मॉस्क के लिए, एक मस्जिद के लिए जहाँ पर जगह दी गई थी उस मस्जिद के लिए ट्रस्ट सेटअप किया गया है, उसके बारे में हमें जानना है। ट्रस्ट जो है एक मॉस्क बनाएगा, एक मस्जिद बनाएगा अयोध्या के अंदर ही, जो कि नवंबर 2019 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए थे राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद टाइटल डिस्प्यूट केस में। ट्रस्ट का नाम होगा इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन, ठीक है, इसमें 15 मेंबर्स होंगे ट्रस्ट के अंदर। ट्रस्ट है क्या और इसको क्यों सेटअप किया जा रहा है, 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक वर्डिक्ट डिलीवर किया था बाबरी मस्जिद केस के अंदर, तो उन्होंने अलाउ कर दिया था कि एक राम मंदिर जो है इस साइट के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया जाएगा जहां पर बाबरी मस्जिद को 1992 के अंदर डिमोलिश किया गया था, ठीक है ना। और इसके अलावा एक 5 एकड़ का प्लॉट
उत्तर प्रदेश के सुन्नी वक्फ बोर्ड को अलॉट किया जाएगा, जहाँ पर वो अपना मॉस्क यानी कि मस्जिद बना सकते हैं, और उसी को बनाने के लिए एक वक्फ बोर्ड सेटअप किया गया है। वक्फ बोर्ड ने इस ट्रस्ट को सेटअप किया है। ट्रस्ट के बारे में जान लेते हैं। इस ट्रस्ट में 15 मेंबर्स होंगे, जो उत्तर प्रदेश के सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड हैं वो उसके फाउंडर ट्रस्टी होंगे, और जो सेक्रेटरी हैं उस ट्रस्ट के वो ही उसके ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन का रोल प्ले करेंगे। ट्रस्ट के फंक्शंस क्या होंगे? ये जो ट्रस्ट है एक मॉस्क बनाएगा, जिसमें बाकी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाएंगी जनरल पब्लिक के लिए, और वहाँ पर कम्युनिटी सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे जैसे लोकल पॉपुलेशन को, जिसमें मेडिकल और हेल्थ फैसिलिटीज़ होंगी, कम्युनिटी किचन होगी। फिर ये एक इट विल एक्ट एज अ सेंटर टू प्रमोट द हाईलाइट ऑफ इंडो इस्लामिक कल्चर इन्फ्लुएंसेस ऑन इंडियन सोसाइटी। इंडो इस्लामिक कल्चर का इंडियन सोसाइटी के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस था, इन चीज़ों को प्रमोट और हाईलाइट करने का काम करेगा ये ट्रस्ट। इसमें रिसर्च फैसिलिटी होगी, म्यूजियम होगा, लाइब्रेरी होगा, पब्लिशिंग हाउसेज होंगी। प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा नज़र मार लेते हैं हम। अबव मेंशन ट्रस्ट हैज़ बीन सेटअप बाय, हो गया। वक्फ बोर्ड क्या है, उसकी कंपोजिशन, उस पर बात करते हैं। ओवरव्यू सुन्नी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का बाबरी मस्जिद केस में, ये तो मैंने ऊपर आपको बताई दिया। लीगल एंटिटीज़ वगैरह ये सब भी हम अभी देख लेते हैं। इनसाइट की वेबसाइट पर ही मेरे को ये टॉपिक मिल गया था। वक्फ होता क्या है? कोई भी प्रॉपर्टी जो गॉड के नेम पर दी गई हो रिलीजियस या फिर चैरिटेबल पर्पस के लिए, उसको वक्फ बोलते हैं। लीगल टर्म्स की अगर बात करें तो कोई भी परमानेंट डेडिकेशन किसी इंसान के द्वारा जो इस्लाम को प्रोफेस करता है, इस्लाम को फॉलो करता है, या फिर कोई भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसको कोई भी पर्पस के लिए, जिसको मुस्लिम लॉ बहुत ही पायस, बहुत ही रिलीजियस, बहुत ही चैरिटेबल मानता है, उस चीज़ को वक्फ बोला जाता है। वक्फ क्रिएट कैसे होता है? वक्फ कैन बी फॉर्म्ड थ्रू अ डीड और इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। और अ प्रॉपर्टी कैन बी डीम्ड वक्फ इफ़ इट हैज़ बीन यूज फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पजेज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी ज़मीन जायदाद, कोई भी धन दौलत की चीज़ उसमें दी गई उसके नाम पर, जिसको आपने रिलीजियस यानी कि धार्मिक पर्पज़ के लिए यूज़ किया गया हो किसी लंबे समय तक, उसको आप वक्फ बना सकते हो। द प्रोसीड्स आर टिपिकली यूज टू फाइनेंस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ग्रेवयार्ड, मॉस्क एंड शेल्टर होम्स। इस तरह की जो प्रोसीडिंग्स होती है उन सबका जो फंडिंग वगैरह होती है, पैसा वगैरह आ रहा होता है, उस सबको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रन करने के लिए, ग्रेवयार्ड, शमशान घाट के लिए, मस्जिद वगैरह के लिए, शेल्टर होम्स यानी कि किसी को घर वगैरह प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पर यूज़ किया जाता है। अ पर्सन क्रिएटिंग वक्फ कैन नॉट टेक बैक द प्रॉपर्टी एंड द वक्फ वुड बी कंटिन्यूइंग एंटिटी। एक बार आपने अपनी प्रॉपर्टी वगैरह को वक्फ में डिक्लेयर कर दिया, फिर आप उसको वापस नहीं ले सकते हो। नॉन मुस्लिम कैन ऑल्सो क्रिएट अ वक्फ, बट द इंडिविजुअल मस्ट प्रोफेस इस्लाम एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग द वक्फ हैज़ टू बी इस्लामिक। बेसिकली आप नॉन मुस्लिम हो लेकिन आप इस्लाम को प्रोफेस करते हो, तो आप एक वक्फ क्रिएट कर सकते हो, और इसका जो मेन जो ऑब्जेक्टिव होगा ना वक्फ को, वो इस्लामिक होना चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वक्फ की गवर्निंग कैसे होती है, लीगल एंटिटीज़ क्या हैं? ये वक्फ एक्ट है 1995 का, उसके अंदर इसको गवर्न किया जाता है। एक सर्वे कमिश्नर अंडर द एक्ट लिस्ट ऑल द प्रॉपर्टीज डिक्लेयर्ड एज वक्फ बाय मेकिंग लोकल इन्वेस्टिगेशन, समनिंग विटनेसेस एंड रिक्वेश्चनिंग पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। बेसिकली एक सर्वे के कमिश्नर होते हैं इस एक्ट के अंदर, जो भी प्रॉपर्टी वगैरह बनाई जाती है उसका इन्वेस्टिगेशन करना, उसमें कौन कौन विटनेस है उन सबको समन करना। वक्फ को मैनेज करते हैं मुतावली, ठीक है ना, जो एक सुपरवाइजर की तरह काम करते हैं। ये बिल्कुल सिमिलर है जिस तरह से एक ट्रस्ट को एस्टेब्लिश किया जाता है इंडिया के अंदर, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के तहत। लेकिन बट जो ट्रस्ट होता है ना, उसको एक ब्रॉडर पर्पज़ के लिए सेटअप किया जाता है, रिलीजियस से बड़ा पर्पज होता है, चैरिटेबल यूजेस होते हैं उसके। और जो ट्रस्ट को आप एस्टेब्लिश कर सकते हो उसको डिसॉल्व किया जा सकता है, लेकिन ये जो वक्फ होते हैं इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। कंपोजिशन देख लेते हैं। हर एक स्टेट के पास एक वक्फ बोर्ड होता है जिसको हेड करता है एक चेयरपर्सन, एक या दो नॉमिनीज होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, मुस्लिम लेजिस्लेचर्स होते हैं, पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, मुस्लिम मेंबर्स होते हैं स्टेट बार काउंसिल के, जो रिकॉग्नाइज स्कॉलर्स होते हैं इस्लामिक थियोलॉजी के, और मुतावलीज होते हैं वक्फ के, जिनकी एनुअल इनकम रुपीज़ 1 लाख और अबव होती है। नाउ वी हैव एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। दिस टॉपिक इज कवर्ड अंडर इशूज़ रिलेटेड टू हेल्थ, और यहाँ पर हम ह्यूमन हेल्थ और एनिमल हेल्थ दोनों के बारे में बात करेंगे। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE, उन्होंने रिसेंटली एक सर्वे रिपोर्ट पब्लिश की थी किस तरीके से एंटीबायोटिक्स का यूज़ हो रहा है डेयरी सेक्टर के अंदर, यानी कि वो एनिमल्स जो मिल्क प्रोवाइड करते हैं उसको डेयरी सेक्टर बोलते हैं। कुछ कंसर्न्स उन्होंने जताए हैं अपने, ठीक है, वो कंसर्न क्या हैं देख लेते हैं। पहली बात तो उन्होंने कहा कि एंटीबायोटिक्स जो हैं वो एक्सटेंसिवली मिसयूज़ की जा रही हैं डेयरी सेक्टर के अंदर, और जो एंटीबायोटिक के जो रेजिड्यूज़ होते हैं ना, वो लार्जली उन अनटेस्टेड मिल्क के अंदर रह जाते हैं,
जो कि इंडियन डाइट का बहुत मेजर पार्ट है। हम लोग जानेंगे कैसे वो अनटेस्टेड मिल्क है, कैसे रेजिड्यू रह जाते हैं, ठीक है। और इंडियन डाइट का पार्ट है, पर्टिकुलरली चिल्ड्रन के जो डाइट होती है उसमें। ये एक पैंडमिक लाइक सिचुएशन ही है जो कि अनडिटेक्टेड है अभी तक, एकदम ही कवर्ड है ये, ठीक है। एंटीबायोटिक की जो रेजिस्टेंस है ना, फ्यूल्ड बाय द वे वी आर प्रोड्यूसिंग आर फूड, क्योंकि हमारा फूड जो है आज की डेट में केमिकल इंटेंसिव ज़्यादा है, ठीक है ना। तो अगर हम इसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं रखते हैं इसके केमिकल यूज़ के ऊपर, तो फ्यूचर में ये कोई बहुत ही बड़े लेवल की पैंडमिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जो कि आउट ऑफ कंट्रोल होगी, क्योंकि हम लोग केमिकल इंटेंसिव फूड को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। फार्मर्स ऑफ्टन सेल मिल्क वाइल द एनिमल इज अंडर ट्रीटमेंट विच इंक्रीजेज द चांसेज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिड्यूज, वाइल मिल्क सोल्ड डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स इज नॉट टेस्टेड, कॉन्ट्रारी टू वट वन वुड एक्सपेक्ट, प्रोसेस्ड मिल्क सोल्ड इन पैकेट्स इज ऑल्सो लार्जली अनचेक्ड फॉर एंटीबायोटिक रेजिड्यूज। बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि जब किसी एनिमल को कोई प्रॉब्लम होती है, उसको एंटीबायोटिक्स दिए जा रहे होते हैं, तो वो ट्रीटमेंट प्रोसेस में चल रहा होता है, लेकिन फार्मर क्या कर रहा है कि जब एनिमल का ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसकी बॉडी में एंटीबायोटिक जो रेजिड्यूज हो जाते हैं, जब तक वो बॉडी से एक्सपेल नहीं होते तब तक इट इज़ एडवाइज नॉट टू सेल द मिल्क टू द पीपल। लेकिन फार्मर जो हैं जस्ट टू मेंटेन देयर लाइवलीहुड, उसके मिल्क को तब भी सेल कर रहे होते हैं जबकि उनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। तो वही एंटीबायोटिक्स के जो रेजिड्यू होते हैं जो बॉडी से एक्सपेल होना चाहिए, वो मिल्क के थ्रू जो भी कंज्यूमर होता है, जो पर्सन होता है उसको मिल्क कंज्यूम कर रहा होता है, उसकी बॉडी में जा रहे होते हैं। तो विलेजेस में अगर आप बात करो या फिर बहुत सारी जगह पर जो मिल्क होता है ना वो अनटेस्टेड होता है, यानी कि आप लोकल एक मिल्कमैन से ले लेते हो, वो अनटेस्टेड मिल्क होता है। इवन जो पैकेट्स वाले टेस्ट मिल्क होते हैं ना उसमें भी बहुत लार्ज अमाउंट में अनटेस्टेड मिल्क आ रहा होता है, तो जहाँ पर अनचेक्ड अमाउंट में एंटीबायोटिक्स के रेजिड्यूज अवेलेबल होते हैं। तो इंक्रीज्ड यूज़ क्यों हो गया एंटीबायोटिक्स का? फार्मर्स जो हैं वो इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक्स कुछ डिजीज़ के लिए, अपने एनिमल्स को ट्रीट करने के लिए, जैसे कि मास्टिटिस होता है, ठीक है ना। मास्टिटिस ये एक इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है अडर के ऊपर। अडर क्या होता है, जो कैटल होती है ना, फीमेल कैटल, उसका जो मेमरी ग्लैंड होता है जहाँ से मिल्क आता है उसको अडर बोलते हैं। तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, रेड स्पॉट्स हो जाएंगे, थोड़ा सा स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है ना, इन्फेक्शन हो जाता है। इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं डेयरी एनिमल्स को, उन सबको ट्रीट करने के लिए फार्मर्स जो हैं उनको एंटीबायोटिक्स देते हैं। इसमें कुछ क्रिटिकली इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स भी होते हैं ह्यूमंस के लिए, ठीक है ना। WHO ने वार्निंग दी है कि इन चीज़ों को प्रिवेंट करना चाहिए ताकि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जो क्राइसिस है ना उसको बढ़ने से रोका जाए। कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं क्रिटिकली इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स, का मतलब ये होता है कि ये एंटीबायोटिक्स बहुत ही रेयर केस में दिए जाते हैं एक्सट्रीम लेवल के ऊपर, और जब तक कोई फिजिशियन की एडवाइस ना हो तब तक ना लिए जाएं। लेकिन पब्लिकली जनरल यूज़ के लिए बिल्कुल मना की जाती हैं कि बहुत एक्सट्रीम केसेस में इनको दिया जाता है, इसलिए इनको क्रिटिकली इंपॉर्टेंट भी नाम दिया गया है। अब्यूज एंटीबायोटिक्स डिस्पाइट अ लॉ अगेंस्ट इट, जो कुछ बहुत ईजिली अवेलेबल होती हैं जिसके ऊपर कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता है, ठीक है ना। और एक रजिस्टर्ड वेटरिनेरियन, देखो वेटरिनेरियन कौन होता है, डॉक्टर हु ट्रीट्स एनिमल्स, ठीक है ना, और ये फार्म्स वगैरह में बहुत ज़्यादा स्टॉक्ड होती हैं। तो इस तरीके से इनको अब्यूज्ड एंटीबायोटिक्स भी बोला गया है। बैकग्राउंड के बारे में देख लेते हैं, इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है, यू मस्ट नो दिस फैक्ट, ठीक है ना। चलो मैंने बहुत बार बताया हुआ है कि वर्ल्ड में लार्जेस्ट तो इंडिया है, सेकंड लार्जेस्ट कौन सा कंट्री है जो मिल्क प्रोड्यूसर है वर्ल्ड के अंदर, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो इंडिया प्रोड्यूस करता है मैसिवली 188 मिलियन टन्स ऑफ मिल्क, तो इन्होंने 2018-19 में इतना टन मिल्क प्रोड्यूस किया था। इंडिया में जो अर्बन एरियाज़ हैं वो 52% इस मिल्क का कंज्यूम करते हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं जो कि जिसमें मिल्कमैन और कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, वो इस कंज्यूमर बेस का अराउंड मतलब 60% बन जाता है। तो ये मत बोलना कि 52% और 60% तो बहुत ज़्यादा हो गया है, सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना, वो क्या बोल रहा है, ठीक है। जो रिमेनिंग डिमांड है वो चली जाती है डेयरी के कॉरपोरेटिव्स में, प्राइवेट डेयरीज़ के अंदर, ठीक है ना, जो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। एंटी माइक्रोबियल असिस्टेंस क्या होता है? ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक एबिलिटी होती है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, जिसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, ठीक है, वायरस हो गए, कुछ पैरासाइट्स हो गए, तो ये क्या करते हैं, एंटी माइक्रोब्स को स्टॉप करते हैंगे, ऑलराइट, अपना काम करने से। एज अ रिजल्ट जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट्स होते हैं वो बहुत इनइफेक्टिव हो जाते हैं, इन्फेक्शन जो परसिस्ट करने लग जाती है, बढ़ जाती है और दूसरों तक भी स्प्रेड होनी स्टार्ट हो जाती है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीबॉडीज, मिल्क प्रोडक्शन, कंजप्शन क्रिटिकली इंपॉर्टेंट, सब बता रखा है। एंटीबॉडीज तो इतनी बार बता दी है कि बहुत सिंपल है, ये बताने की चीज़ नहीं है। नाउ वी हैव इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल
एंड पॉलिटिकल राइट्स ICCPR, ये क्या चीज़ है, क्यों ये न्यूज़ में है, थोड़ा सा पहले इसके बारे में ICCPR के बारे में एक बार जान लेते हैं। एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है ये, ठीक है, जिसको अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के अंदर। इसको मॉनिटर करता है यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट्स कमेटी, ठीक है ना। कन्वेंट जो है ये कमिट करता है अपनी पार्टीज़ को कि ये उनके सिविल और पॉलिटिकल राइट्स जो बेसिकली इंडिविजुअल्स के, हर एक पार्टी की, हर एक कंट्री के इंडिविजुअल्स के, जिसमें राइट टू लाइफ आता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली, इलेक्टोरल राइट्स, राइट टू ड्यू प्रोसेस, फेयर ट्रायल, इन सबको रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है ना। और ICCPR जो है ये एक इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स का पार्ट भी है। इसके अलावा ये ICESCR जो कि इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल कल्चर राइट, इसका भी पार्ट है। प्लस में UDHR यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का भी पार्ट है। ये 1976 से इफेक्टिव है। क्यों न्यूज़ के अंदर है, अब हम चलते हैं वापस ऊपर, ठीक है। कुछ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं ह्यूमन राइट्स कमेटी के, उन्होंने एक इंटरप्रिटेशन पब्लिश किया है, ठीक है ना, राइट ऑफ पीसफुल असेंबली को लेकर। उन्होंने कुछ कॉम्प्रिहेंसिव लीगल गाइडेंस दिए कि वेयर एंड हाउ इट अप्लाइज एंड ऑल्सो आउटलाइनिंग गवर्नमेंट्स ऑब्लिगेशंस। बेसिकली वर्ल्ड वाइड कुछ पीसफुल प्रोटेस्ट को लेकर ह्यूमन राइट्स कमेटी ने कुछ इंटरप्रिटेशन दिया है कि राइट ऑफ पीसफुल असेंबली को कैसे गाइडलाइंस हैं, क्या इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए, कहाँ कहाँ हो सकता है, गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशन क्या है इसके ऊपर। कमेटी इज टास्क विद मॉनिटरिंग हाउ कंट्रीज इंप्लीमेंट द ICCPR, which under Article 20 guarantees the right to peaceful assembly. ICCPR के Article 21 के अंदर एक गारंटी है कि आपको पीसफुली असेंबल होने का राइट अपने इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड करना है। तो एक कमेटी है ह्यूमन राइट्स कमेटी, इसका काम है मॉनिटर करना कि किस तरीके से कंट्रीज इस आर्टिकल को इम्प्लीमेंट कर रही हैं। इशू क्या है, वर्ल्ड वाइड कुछ अथॉरिटीज़ दे आर ग्रैपलिंग एंड स्वेलिंग डेमोन्स्ट्रेशंस, ठीक है। अब ग्रैपलिंग एंड स्वेलिंग का मतलब क्या हो गया है, बेसिकली किसी भी क्लोज फाइट के अंदर एंगेज होना, ठीक है ना, स्ट्रगल करना, किस लिए, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे हैं। इशूज़ क्या हो सकते हैं, कोई पॉलिटिकल राइट का इशू हो सकता है, कोई रेशियल जस्टिस का इशू हो सकता है। कुछ प्लेसेस के ऊपर कोएर्सिव फोर्सेस, कोएर्सिव फोर्सेस का मतलब कि आपकी चॉइस के अगेंस्ट फोर्सफुली आपकी वॉइस को सप्रेस किया जा रहा है, प्रोटेस्टर की वॉइस को सप्रेस किया जा रहा है। इसलिए ये जो मुद्दा था ना राइट टू पीसफुल असेंबली वाला, ये फिर से स्पॉटलाइट में आ गया है। सपोर्टर्स बिलीव कर रहे हैं कि पीसफुली प्रोटेस्ट करना ऑनलाइन या फिर इन पर्सन फिजिकली प्रेजेंट होकर, ये ह्यूमन बीइंग्स का एक फंडामेंटल राइट है। ये वहाँ के जो सपोर्टर्स हैं जो राइट टू पीसफुल असेंबली को सपोर्ट करते हैं, उनका कहना है। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है ह्यूमन राइट्स कमेटी के, उन्होंने कहा है कि भैया एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है फॉर पीपल कि वो गैदर हों, इकट्ठे हों, सेलिब्रेट करें अपनी शिकायतों को, ठीक है ना, और अपनी शिकायतें बताएं भी, प्लस में पब्लिक में, प्राइवेट स्पेसिस में, आउटडोर, इंडोर, आउटडोर। इस ह्यूमन राइट का सिंपल सा मीनिंग ये होता है, एवरीवन, हर कोई, बच्चे लेकर, फॉरेन नेशनल्स, वीमेन हो गए, माइग्रेंट वर्कर्स हो गए, असाइलम सीकर, रिफ्यूजीज, हर एक के पास राइट है कि वो पीसफुल असेंबली के राइट को एक्सरसाइज कर सकता है। गवर्नमेंट इनकी प्रोटेस्ट को प्रोहिबिट नहीं कर सकती, ठीक है ना, स्पेशली कोई जनरलाइज रेफरेंस देकर कि भाई उनको पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक सेफ्टी को मेंटेन करना है तो प्रोटेस्ट नहीं करने देंगे, तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती है। इसके अलावा गवर्नमेंट इंटरनेट नेटवर्क को भी ब्लॉक नहीं कर सकती है, बिल्कुल भी क्लोज नहीं कर सकती, ऐसा कोई रीज़न देकर कि इसके कारण कोई पीसफुल असेंबली के कारण जो है वायलेंस क्रिएट हो सकता है, तो गवर्नमेंट ये दो चीज़ें नहीं कर सकती है। इट ऑल्सो स्ट्रेस द राइट ऑफ जर्नलिस्ट एंड ह्यूमन राइट ऑब्जर्वर्स, कि जर्नलिस्ट जो होते हैं हमारे, ह्यूमन राइट ऑब्जर्वर्स जो होते हैं, वो ऐसी किसी पीसफुल असेंबली को मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है, उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इम्प्लीकेशंस क्या हैं, कमेटी के जो इंटरप्रिटेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस है जजेस के लिए, जो कि नेशनल और रीजनल कोर्ट्स के अंदर हैं वर्ल्ड वाइड, वो इसको यूज़ कर सकते हैं। एक नए तरीके से इसको एज ए सॉफ्ट लॉ भी देखा जा रहा है। ICCPR के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या, ये देखते हैं हम लोग, ठीक है, और UDHR के बारे में देख लेते हैं, ह्यूमन राइट्स कमेटी, ये तो हो ही गया। अच्छा, हैज़ इंडिया साइंड ICCPR, इंडिया ने साइन नहीं किया था, इंडिया ने रेटिफाई कर लिया था, ठीक है, 10 जुलाई को इंडिया ने रेटिफाई कर लिया था, आर्टिकल 20 में आपको बता ही चुका हूँ। इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये नाम दिया गया था जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन 2017 के थर्ड क्लॉज को। इसमें दो इंटरनेशनल ट्रीटीज इस्टेब्लिश की थी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, जिसमें था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसको अडॉप्ट किया गया था 1948 में, और इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी भी पढ़ा है, ICCPR 1966 में। प्लस इसके दो ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स थे, और जो इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स था उसको 1966 में इस्टेब्लिश किया गया था।
ये जो दो कन्वेंट्स हैं ये 1976 से स्टार्ट हुए थे और एक सफिशिएंट नंबर ऑफ कंट्रीज ने इनको रेटिफाई किया था. इन द बिगिनिंग डिफरेंट व्यूज वर एक्सप्रेस अबाउट द फॉर्म ऑफ बिल ऑफ राइट्स शुड टेक, किस तरीके से बिल ऑफ राइट्स बनना चाहिए. इसके इनिशियल लेवल के ऊपर बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियंस थे. 1948 के अंदर जनरल असेंबली ने प्लान किया था इस बिल में इंक्लूड करने के लिए UDHR को, एक कोवेनेंट को, और किस तरीके इसके मेजर्स होंगे इम्प्लीमेंटेशन के. दिस मच इज़ इनफ. हम लोग देख लेते हैं एक बार यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये भी हमसे पूछा गया था. यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट है जिसको अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के द्वारा. 1948 में थर्ड सेशन हुआ था जब रेजोल्यूशन 217 का, वहाँ पर पेरिस फ्रांस के अंदर 58 कंट्रीज़ में से 48 कंट्रीज़ ने इसके फेवर में वोट किया था. 8 कंट्रीज़ ने एब्सटेन किया था, अगेंस्ट वोट नहीं किया था, सिर्फ एब्सटेन किया था. डिक्लेरेशन के अंदर कुछ 30 आर्टिकल्स हैं जो कि इंडिविजुअल के राइट्स को अफर्म करते हैं. ऑल दो ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, लेकिन इनको एलेबरेट किया गया है कि सब्सिक्वेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के अंदर, इकोनॉमिक ट्रांसफर्स के अंदर, रीजनल ह्यूमन राइट इंस्ट्रूमेंट्स में, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन हो गया और बाकी सब लॉज के अंदर इनको इम्प्लीमेंट किया गया है सब्सिक्वेंटली. नाउ वी हैव इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ITER. वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना. अवेयरनेस इन द फील्ड्स ऑफ IT, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इशूज रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पहले भी न्यूज़ में रह चुका है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सालों से इसकी ब्रेन स्टॉमिंग चल रही है. 35 सालों से तो ब्रेन स्टॉमिंग चल रही है इसकी, प्लानिंग, प्री प्रोडक्शन. ITER says असेंबली जो है इसकी अभी अगले 5 सालों में होगी. बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है, और इसके असेंबली फेज़ में एंटर कर चुका है. ITER है क्या चीज़? देखो, ये एक न्यूक्लियर फ्यूजन का रिसर्च और इंजीनियरिंग का मेगा प्रोजेक्ट है जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट है प्लाज्मा फिजिक्स एक्सपेरिमेंट के अंदर, ठीक है ना. ये एक एक्सपेरिमेंटल टोकामैक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है, ठीक है ना, जो कि सदर्न फ्रांस में बनाया जा रहा है. टोकामैक क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, फ्यूजन क्या होता है, फिजन क्या होता है. पहले फ्यूजन और फिजन थोड़ा सा देख लो एक बार, वो हल्का सा आपको समझ में अगर आ जाएगा ना देन इट विल बी ईजी. फ्यूजन जो होता है ना, फिजन, FISSION, फ्यूजन के अंदर जो एनर्जी गेन करते हैं ना, वो हम किसी भी हैवी एटम को स्प्लिट करने से करते हैं, ठीक है ना. जैसे कि यूरेनियम जो होता है ना, उसको स्मॉलर एटम्स के अंदर स्प्लिट किया जाता है, जैसे आयोडीन हो गया, केजियम हो गया, स्ट्रॉन्शियम, ज़िनॉन, बेरियम, ये हम लोगों ने स्कूल में केमिस्ट्री में सबने पढ़ा है. लेकिन जो फ्यूजन होता है, FUSION, जो कि इस रिएक्टर में किया जा रहा है फ्यूजन, ठीक है ना. फ्यूजन में क्या होता है कि लाइट एटम्स को, देखो फ्यूजन में क्या किया, हैवी एटम था उसको स्प्लिट कर दिया. फ्यूजन में क्या कर रहे हैं, लाइट एटम यूज़ कर रहे हैं ताकि उनको कंबाइन करके हैवी एटम बनाया जाए. अब इसमें एग्जांपल दूँ तो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स होते हैं, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम होता है, ठीक है ना. इससे हम क्या करते हैं, हैवियर हीलियम बनाते हैं. ऑलराइट, दोनों ही रिएक्शंस के अंदर एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है ना, एक पावर प्लांट के अंदर, ठीक है ना, जिसको हम वाटर को बॉयल करने के लिए यूज़ करते हैं इस एनर्जी को. फिर वहाँ से स्टीम जनरेटर को ड्राइव किया जाता है, तब हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं. बहुत बेसिक सी चीज़ है ये. ITER की सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, ठीक है ना. ये पहला फ्यूजन डिवाइस होगा जो नेट एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना. एक फर्स्ट फ्यूजन डिवाइस होगा जो फ्यूजन मेंटेन करेगा लॉन्गर पीरियड्स तक. ITER एक पहला फ्यूजन डिवाइस होगा जो इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी को टेस्ट करेगा, मटेरियल्स को, फिजिक्स रेजीम्स को, जो कि कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फ्यूजन बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत नेसेसरी हैं. प्रोजेक्ट की जो फंडिंग है ना, वो 7 मेंबर एंटिटीज़ कर रहे हैं. अब 7 मेंबर एंटिटीज़ कौन से हैं, क्या इंडिया इसका पार्ट है? येस. यूरोपियन यूनियन है, चाइना, इंडिया, जापान, रशिया, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स. ITER क्या करेगा, 500 मेगावाट का फ्यूजन पावर जनरेट करेगा. इंटीग्रेटेड ऑपरेशन जो होते हैं ना टेक्नोलॉजीज़ के फ्यूजन पावर प्लांट में, उन सबको डेमोन्स्ट्रेट करेगा. एक ड्यूटेरियम ट्रिटियम प्लाज्मा जिसमें जो रिएक्शन होता है, सस्टेन होता है इंटरनल हीटिंग से, उसको अचीव करने का टारगेट है. ट्रिटियम ब्रीडिंग को टेस्ट करना, ठीक है. सेफ्टी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं फ्यूजन डिवाइस की, उन सबको डेमोन्स्ट्रेट करना. फ्यूजन क्या हो सकता है मैंने आपको अभी बता दिया बहुत अच्छे से. और ये लेबोरेटरी में कैसे अचीव किया जाएगा, जो मोस्ट एफिशिएंट फ्यूजन रिएक्शन है लेबोरेटरी में सेटिंग के अंदर, वो होता है कि रिएक्शन करना दो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स के अंदर, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के अंदर. जो DOT का जो फ्यूजन रिएक्शन होता है वो बहुत हाईएस्ट एनर्जी, हाई अमाउंट में एनर्जी को रिलीज़ करता है, लोवेस्ट टेम्परेचर के ऊपर भी. इस चीज़ को फुलफिल करने के लिए 3 कंडीशंस चाहिए होती हैं लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है. पहली बात तो हाई टेम्परेचर चाहिए होता है. इसका ऑर्डर कितना होता है,
तकरीबन 15 करोड़ सेल्सियस के आसपास, 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस के आसपास। फिर सफिशिएंट प्लाज्मा पार्टिकल्स चाहिए होते हैं। प्लाज्मा पार्टिकल्स क्या होते हैं? देखो फोर टाइप के स्टेट्स ऑफ मैटर बताओ, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। सॉलिड में क्या होता है? डेंसिटी बहुत हाई होती है, पार्टिकल्स बिल्कुल आपस में स्टिक होते हैं। लिक्विड में क्या होता है? डेंसिटी कंपैरेटिवली कम होती है, जो पार्टिकल्स होते हैं आपस में इधर उधर हो जाते हैं, ठीक है। एंड गैस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना वो फ्लाई करते हैं हर एक डायरेक्शन के अंदर बहुत ग्रेट स्पीड्स के ऊपर, ठीक है। उनकी जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है ना वो बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट हो जाती है। प्लाज्मा स्टेट के अंदर क्या हो रहा होता है ना, बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर जैसे स्टार्स होते हैं, एटम्स होते हैं ना, वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, ठीक है ना। और इसके कारण एक प्लाज्मा जो न्यूक्लियाई होता है ना वो एक प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर में पहुंच जाता है, इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं स्टेट के अंदर। तो सफिशिएंट प्लाज्मा पार्टिकल की डेंसिटी चाहिए होगी हमको, ठीक है ना, ताकि वो जो कोलिजन हो सके वो अच्छे से हो सके। सफिशिएंट कन्फाइनमेंट का टाइम चाहिए उस प्लाज्मा को होल्ड करने के लिए, ठीक है ना, जिसकी प्रोपेंसिटी है कि वो एक्सपेंड हो सकता है एक डिफाइंड वॉल्यूम के अंदर। टोकमक क्या होता है ये जानो, एक एक्सपेरिमेंटल मशीन है जिसको डिज़ाइन किया गया है कि जो फ्यूजन से निकलने वाली एनर्जी होती है उसे हम कैसे हार्नेस करेंगे। एक टोकमक के अंदर जो भी एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है फ्यूजन के द्वारा, उसको वॉल्स के अंदर हीट की फॉर्म में अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जैसे जो कन्वेंशनल पावर प्लांट्स होते हैं ना, वहाँ पर जो फ्यूजन पावर प्लांट होता है ये क्या करता है, हीट एनर्जी को यूज़ करता है स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए, और फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, कैसे, जब टर्बाइंस और जनरेटर्स रोटेट होते हैं। पहली बार इसको डेवलप किया गया था सोवियत रिसर्च के अंदर 1960s के अंदर। जो टोकमक है इसको फिर बाद में वर्ल्ड वाइड अडॉप्ट किया गया, एक बहुत मोस्ट प्रॉमिसिंग कॉन्फ़िगरेशन है मैग्नेटिक फ्यूजन डिवाइस का। ITR जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट टोकमक है, ये जो लार्जेस्ट मशीनरी करंटली ऑपरेशन में उसके डबल साइज़ का है, और जो हमारे पास लार्जेस्ट प्लाज्मा चैम्बर वॉल्यूम है उसका 10 times होगा यहाँ पर। ITR की फंडिंग, कौन सी कंट्री, इंडिया पार्ट ऑफ इट, यस, टोकमक, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर मैंने बता ही दिया, फ्यूजन भी मैंने आपको बता दिया है, डिफरेंस बिटवीन फ्यूजन फ्यूजन भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लोकेशन और सिग्निफिकेंस भी मैं आपको बता चुका हूँ। टर्की ने अप्रूव किया है सोशल मीडिया लॉ, साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड इशूज़। टर्की के जो पार्लियामेंट है उन्होंने अप्रूव किया है एक नया सोशल मीडिया लॉ, जो कि अथॉरिटीज़ को पावर देता है, और ज़्यादा पावर देगा उनके सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए। इवन पहले से उनके वहाँ पर बहुत सारी सेंसरशिप है, ठीक है। की प्रोविजंस क्या होंगे इस लॉ के, जो मेजर सोशल मीडिया कंपनी जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स को ऑफिस सेटअप करने होंगे टर्की के अंदर, जहाँ पर कंट्री की कोई भी कंप्लेंट होगी वो सभी एड्रेस करेंगी। अगर कोई सोशल मीडिया कंपनी रिफ्यूज़ करती है अपना डिजिग्नेट को, ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ पर टर्की में डिजिग्नेट करने से, तो उनके ऊपर फाइंस लगाए जाएंगे, उनके एडवर्टाइजिंग के ऊपर बैन लगा दिया जाएगा और उनकी बैंडविड्थ को रिड्यूस कर दिया जाएगा। कोर्ट रूलिंग के साथ जो बैंडविड्थ को हाफ कर देंगे, ठीक है ना, और फर्दर भी उसको कट कर सकते हैं अगर इन्होंने बिल्कुल भी बात नहीं मानी। तो जो बैंडविड्थ रिडक्शन होगा उसके कारण जो सोशल मीडिया के जो नेटवर्क्स होंगे बहुत स्लो हो जाएंगे, ठीक है। जो रिप्रेजेंटेटिव हैं दे विल बी टास्क कि वो रिस्पॉन्ड करे किसी भी इंडिविजुअल की रिक्वेस्ट के ऊपर, कोई भी वॉयलेट प्राइवेसी को वॉयलेट करता हो, कोई कंटेंट है उसको नीचे उसको डाउन कर देना है, कोई भी ऐसा कंटेंट जो पर्सनल राइट्स को वॉयलेट करता है उसको 48 hours के अंदर रिजेक्ट कर देना है। कंपनी किसी भी डैमेज के लिए लायबल हो सकती है अगर उन्होंने 24 hours के अंदर किसी भी कंटेंट को रिमूव या फिर ब्लॉक नहीं किया तो। प्लस में इनको अपना जो यूज़र का जो डेटा होता है उसको टर्की में ही स्टोर करना पड़ेगा, स्पेशली अगर हम बात करते हैं तो टर्की की। गवर्नमेंट ने कहा है कि जो लेजिस्लेशन है ये बहुत ज़रूरी है साइबर क्राइम से फाइट करने के लिए, कॉम्बैट मतलब फ़ाइट करने के लिए, यूज़र्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। साइबर बुलिंग हो गया, विमेंस की इंसल्ट करना सोशल मीडिया के ऊपर, इन सबको कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसर्न क्या है इस लॉ को लेकर, फिर जो लॉ है इसको बुलाया जा रहा है सेंसरशिप लॉ, ठीक है ना, क्योंकि जो ये लॉ है ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लिमिट कर देगा एक कंट्री के अंदर, जहाँ पर मीडिया जो है वो ऑलरेडी बहुत टाइट है, गवर्नमेंट का कंट्रोल जो बहुत टाइट है, और डजन्स ऑफ जर्नलिस्ट जो है वो ऑलरेडी जेल के अंदर हैं। दिस लॉ वुड बी यूज टू रिमूव द कंटेंट जो कि गवर्नमेंट के लिए बहुत क्रिटिकल है, रादर देन टू प्रोटेक्ट द यूज़र्स। फिर ये बहुत क्लियर वॉयलेशन है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ऑनलाइन, और ये कॉन्ट्रवीन करता है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ के खिलाफ भी और स्टैंडर्ड्स के खिलाफ भी। थोड़ा सा बैकग्राउंड की अगर हम बात कर लेते हैं तो रिसेंट टाइम्स के अंदर हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स ने इन्वेस्टिगेट किया था, ठीक है ना, उनको हंड्रेड्स ऑफ पीपल को इन्वेस्टिगेट किया गया था, उनको कुछ को अरेस्ट किया गया था सोशल मीडिया पोस्ट के रहते हुए COVID-19 के पैंडमिक के दौरान, जिन्होंने टर्किश मिलिट्री को अपोज किया था, ठीक है, उनके जो प्रेजिडेंट है रेसेप तैयब एर्डोगन और उनकी बाकी ऑफिशियल्स इन सब की इंसल्ट की थी।
टर्की जो है वो वर्ल्ड में सबसे टॉप पे आता है, ठीक है ना। जब हम ट्विटर की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करने की बात करते हैं तो मोर देन 6,000 डिमांड्स आ चुकी हैं मतलब 2019 के फर्स्ट हाफ के अंदर ही, और 4,08,000 वेबसाइट जो हैं टर्की में ऑलरेडी ब्लॉक्ड हैं। ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया जो विकीपीडिया है उसको 3 साल के लिए बैन कर दिया गया था। फिर टॉप कोर्ट जो टर्की का जो टॉप कोर्ट है उसकी रूलिंग आई थी कि ये एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का वॉयलेशन है, फिर उसको दोबारा से एक्टिवेट कर दिया गया था।